नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी हम आ चुके हैं चांदनी चौक के लोकसभा में। यह अजमेरी गेट है। यहाँ से बीजेपी की बात करें तो परवीन खंडेवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं यहाँ से दूसरी इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल को यहाँ से टिकट मिला है। दोनों की भिड़ंत आमने सामने की है। यहाँ पे कुछ टेम्पू चालक है, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है। जी, यहाँ से है। मैं अजमेरी गेट जी गली कुंडा वाले मगल्ला प्रसाद सुसन। इस बार किसको वोट दे? बीजेपी। क्या है बीजेपी? सब कुछ है जो चाहिए, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। जैसे क्या किए हैं यहाँ? यहाँ पे बहुत काम किया। पांच काम किया जन्म। यहाँ पे गरीबों की बहुत मदद होती है। करा केजरीवाल ने भी, ऐसी बात नहीं करा, करा उसने भी है। लेकिन हम तो मोदी के साथ। किसको दे रहे हैं? बीजेपी। मोदी के नाम पे या मोदी के नाम? मोदी के नाम। जी, किसके नाम पर? मोदी के नाम पे। क्यों मोदी के नाम? आज मोदी के नाम से अपना वोट। केजरीवाल क्या है साला? मोदी को चोर कह रहा है, कांग्रेस को चोर, क्या क्या के बहन। तो फिर कांग्रेस में घुस गया जा करके, उसको वोट देंगे? और कन्हैया लाल जो हमारे एरिया में खड़ा है, कन्हैया जिस देश विरोधी नारे लगाए, उसको वोट देंगे? यहाँ तो लोकसभा से जेपी अग्रवाल, यहाँ पे जेपी अग्रवाल ने मुझे हमारा एरिया, हमारा कन्हैया का है, जमुनापाल का। आप जमुनापाल? हाँ, जमुनापाल। और भी जो है कि यहाँ पे कैंडिडेट में वोट देना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर। जी, किसको वोट देंगे? हम वोट देंगे हाथ पे। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अपनी मर्जी के मालिक है। मोदी अच्छा नहीं लगता? मोदी अच्छा है, सब अच्छे हैं अपनी जगह, हम भी अच्छे हैं अपनी जगह। हम पंजाब में वोट देंगे। पंजाब। किसके नाम पर? केजरीवाल या केजरीवाल? राहुल गांधी। गांधी केजरीवाल एक ही हो गया। किसको प्रधान? केजरीवाल। केजरीवाल प्रधान? हाँ, केजरीवाल को। राहुल गांधी अच्छे नहीं? राहुल गांधी भी अच्छा है। क्या नाम है? जीशान जी। और भी लोग हैं यहाँ पे जो उससे बात करेंगे। जी, इस बार किसको वोट दिया? मोदी को। मोदी क्या है मोदी को? मोदी बहुत कुछ चेक कर रहे हैं। मोदी बढ़िया आपकी काम? हाँ, मोदी सबके भले में। क्या अच्छा किए? कुछ गिनवाइए क्या? अबे केजरीवाल अच्छा नहीं क्या? नहीं, ये हम तो मोदी को ही देते आ रहे हैं। मोदी। हाँ, बात करेंगे। जी, इस बार किसको वोट देगा? अरे हम तो केजरीवाल को देते हैं, पहले था ये, पहले कांग्रेस को देते। अभी तो जेपी अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार। हाँ, केजरीवाल को देखते हैं। मोदी अच्छे नहीं लगे? मोदी को वोट नहीं? नहीं, बोल मोदी मतलब हम अपने अपने दिल की बात है। मोदी का हमारे नहीं बोले, मोदी भी सही है, पर हम वोट उसको देते हैं। और भी लोग हैं उससे। यहाँ पे एक चाचा की चाय दुकान है, उससे हम जानने के प्रयास करेंगे कि वोट इस बार वोट किसको दी देगा? किसको वोट देगा? जो हमको अच्छा लगे उसको देंगे। फिर भी कौन अच्छे लगे? अभी कोई नहीं कह सकते हैं किसका किस्ते में किसको वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कोई ठीक है भाई साहब, सबसे यहाँ पर आज सने में देख जवाना हो गया। मुझे रहते चाय की दुकान, चाय क्या उम्मीद है? उम्मीद का जिसका जो होगा, जिसका जो नसीब में होगा मिलेगा, मिलेगा। और भी लोग हैं उससे भी बात करेंगे। जी चाचा, किसको वोट दीजिएगा? अरे जो ऊपर वाला चाहेगा उसी को देंगे, वक्त पे जो टाइम पे होगा उसी को देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छे कौन? मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल? मोदी जी तो चल ही रहा है, मोदी जी का है हिसाब किताब, और किसी का नहीं है संदेह जी। केजरीवाल तो सुने अच्छा काम किए हैं दिल्ली, दिल्ली में करा है ना काम, मतलब ये है कहने का, अब देखो क्या रहता है क्या नहीं रहता समझे आप। वक्त के टाइम पे जो होगा ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। चलिए, और भी लोग है उससे जानने का पड़ी जी, और भी लोग हैं उससे जानने का प्रयास करें कि इस बार किसको वोट दे। केजरीवाल ही है जी। और यहाँ से जेपी अग्रवाल को खड़ा किए गए कांग्रेस का हूँ। हम तो उसको आम पार्टी को देंगे। आप आम पार्टी तो कर जी जी उसी को देंगे हम तो।
मोदी अच्छे नहीं लगते हैं? मोदी जी भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ इनके हिसाब से है ना, ये चांदनी चौक विधानसभा जो है इस हिसाब से देना पड़ेगा ना। वो अच्छा काम किया है केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है, काफ़ी चीज सुविधा दी है सबको। वैसे यहाँ जानने का जो है कि यहाँ चांदनी चौक है, जामा मस्जिद है, यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, किसको वोट जाना? देखिए, सबके दिल के भेद तो कोई भेद तो कोई दिल के किसी का बता नहीं सकता। अंदर जा बाहर कुछ कह रहा है, अंदर जाके किसको कौन दे रहा है, ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। वो ये 4 तारीख को पता चल ही जाएगा, लेकिन आप लोग हम तो केजरीवाल को यही यहाँ के एरिया के हिसाब से जो सुविधा दे रहे हैं वो चलिए। और क्या नाम है? मेरा नाम विक्टर मैसी है जी। इस बार वोट 25 को किसको दे रहे हैं? ये मोदी जैसा कोई है ही नहीं इस कंट्री के अंदर, सिर्फ ये मोदी। ऐसा क्यों? मोदी कितना काम यहाँ? अरे बहुत काम करा है मोदी ने, क्या क्या नहीं करा है, एक गिनती गिनवाए कितनी गिनतियाँ हैं उनके नाम की, समझे? उन जैसा कोई गिनती ही नहीं है उनके नाम। क्या मोदी के नाम पे या कैंडिडेट के नाम? मोदी जी के नाम पे। कैंडिडेट क्या करेगा? जब मोदी जी कैंडिडेट को बोलेगा वो तो करेगा ना कैंडिडेट भी। क्या नाम है? मेरा नाम रईस नाम है। अरे मोदी जी कैंडिडेट को जो बोलेगा वो तो करेगा ना कैंडिडेट भी, जो प्रधान बोलेगा वो तो करेंगे ना। क्या मोदी? मोदी जी बोलेंगे जब वो कैंडिडेट को, वही करेगा ना, जो प्रधान ने अपने वर्करों को बोला ये काम करना तो करेंगे ना, अपने मजे कर लेंगे। फिर मोदी जी सिर्फ बीजेपी जिंदाबाद मल्लीपुर पे जो बिल्कुल। और भी लोग हैं जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। क्या इस बार क्या रहेगा भाई? मैं अपना बयान क्या दूं आपको, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी अपर सिस्टम में तो हवा दे रहे हैं, नीचे जड़ों को खोखला कर रहे हैं। गरीब मर रहा है, जैसे झाड़ू पे जाएगा, झाड़ू पे बिल्कुल झाड़ू पे जाएगा। अच्छा काम किए बिल्कुल किए हैं। बताओ किस स्कूल में क्या कमी है, कहाँ पर किस चीज़ की कमी है? खुदाई भी इतनी करवा रहे हैं, नालियां सीवर साफ करवा रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं, अगले जेल में होने के बाद भी यहाँ काम हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? आप मोदी जी खाली क्यों सोच रहे हैं? मोदी जी, इनका कहना है मोदी जी, मोदी अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मोदी अकेले अच्छे आदमी हैं ना? उनका जो सिस्टम है नीचे, उनको देखो ना कितना करप्ट हुआ जा रहा है, कितना खा रहे हैं और कितना बांट रहे हैं पब्लिक में, जो पैसा आ रहा है सरकारी पब्लिक पर कितना पहुँच रहा है। लोग तो बोल रहे हैं मोदी बहुत अच्छे हैं। लोगों का बोलना है, अपना अपना विचार है सबके, मेरा विचार तो यही है झाड़ू का। अच्छा, इस बार जो है इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, किस? देखिए ये तो मिली भगत है, ये तो खिचड़ी पका रहे हैं, ये देश का भला नहीं कर सकते, ये अपने भले के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। जब इन्हें फूट पड़ेगी तो टुकड़े भी हो जाएंगे इनके, पता भी नहीं चलेगा। झाड़ू लेकर आड़ा हुआ है, वो अपने झाड़ू लेकर खड़ा है, वो काम कर रहा है, खा भी रहा है तब भी काम कर रहा है। मेरी नज़र में केजरीवाल जी का बेस्ट पर्सन हो इंडिया की। चलिए, और भी लोग यहाँ पे एक सिलाई मशीन जो काम कर रहे हैं आप, उससे वो अपने झाड़ू लेकर खड़ा है, वो काम कर रहा है, खा भी रहा है तब भी काम कर रहा है। मेरी नज़र में केजरीवाल जी का बेस्ट पर्सन हो इंडिया की। चलिए, और भी लोग यहाँ पे एक सिलाई मशीन जो काम कर रहे हैं आप, उससे जानने का प्रयास करें जी। इस बार वोट किसको, मोदी या राहुल? देखो जी, देखो जी, इनका काम सही होगा, उन्हें वोट देंगे कोई। किसका काम सही लगा? देखो जी, अब समय बताएगा, अभी तो फिलहाल तो ऐसा ही चल रहा है, काम धंधा भी धंधा चल रहा है, कोई सब तो अभी ऐसा ही है, रोजगार नहीं, और हल्का ही चल रहा है काम, मतलब बहुत टाउन सा चल रहा है सब सब। यहाँ पे तो केजरीवाल यहाँ अच्छा काम किया। हाँ, काम तो अच्छा किए हैं सब, काम तो अच्छा किए। चलिए, और भी लोग हैं, उससे भी बात करेंगे जी। जी, इस बार किसको वोट? इस बार कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, दोनों में से एक कमी, दोनों तो अलाइन गठबंधन में तो कांग्रेस को देंगे। क्यों तो कांग्रेस को? मोदी जी अच्छे तो हैं, मगर क्या कहते हैं, मोदी जी को खराब कम से कम, मोदी जी ने हमारे लिए इतने साल काम किया, रात दिन काम किया, अब उनको खराब देने की भी जरूरत है बहुत।
क्यों? क्या कहते हैं, अब ये कांग्रेस की सरकार को भी मौका देना चाहिए, 10 साल हो गए हैं, या आम आदमी को मौका देना चाहिए। वैसे भी आम आदमी ने दिल्ली में इतने सुधार किए हैं, जब से आम आदमी पार्टी ने क्या कहते हैं बिजली फ्री की है, महिलाओं के लिए बसें फ्री की हैं, और क्या कहते हैं सरकारी स्कूलों को जो है इसमें सुविधाएं की हैं। आज के टाइम में जो है प्राइवेट में जो लोग पढ़ते थे आज वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप जाके देखें, अब जब से केजरीवाल ने केजरीवाल की गवर्नमेंट ने जब से बिजली फ्री की है, उसके बाद से हर सरकार ने जो है अब वो वादा करती हैं कि भाई हम बिजली फ्री देंगे। इससे पहले किसी सरकार ने ये काम नहीं किया, तो पब्लिक तो उसको वोट देना चाहेगी जो पब्लिक के हक, जो पब्लिक जिसको चाहेगी। समझ रहे आप मेरी बात को? और भी लोग हैं जी। जी भाई जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, एज ए वोटर मैं अगर देखा जाए तो फेस वैल्यू पे मैं वोट करता हूँ, मैं अब जहाँ से गाँव से बिलोंग करता हूँ बीजेपी को करता हूँ। लेकिन दिल्ली में आने के बाद, मुझे 22 साल हो गए दिल्ली में, अपना मकान है, मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को वोट करता हूँ, गठबंधन को ही करूँगा। कारण उसका ये है कि हम लोग हैं काम करने वाले। ठीक है, हम लोग अगर ये कहें कि आपने सेंट्रल लेवल पे क्या किया, आपने कहाँ क्या किया, आप ज़मीनी हालत दिखाओ कि हमारे लिए क्या किया, हम लोगों के लिए क्या किया। हम लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं, मार्केट की हालत आज क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी वो है। एक चैन सिस्टम है, चैन सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या किया मार्केट के लोग, अगर देखा जाए बोल रहा है कि देश विदेश में नाम हो रहा मोदी। एक चीज बताइए, आप खुद बताइए, आप घर में हो, आप देश विदेश में या बाहर कहीं भी पॉलिटिक्स में काम करो, लेकिन घर में अगर बच्चे भूखे मर रहे हैं तो उसके लिए क्या करोगे? वही हाल है कि आप देश विदेश में काम कर रहे हो, लेकिन हमारे जो आम पब्लिक है, जो युवा हैं, हम जैसे हम ग्रेजुएशन करके क्या चला रहे हैं, पोर्टर चला रहे हैं। जब हमने पोर्टर ही चलाना था तो हम 12वीं कर लेते, 10वीं कर लेते। बोले 20 गुरु बनाएंगे देश। भैया विश्व गुरु तो पहले से था, अब क्या बनाएंगे? जिन गुरुओं को साइट बैठा रखा है उन गुरुओं को निकालो ना बाहर। विश्व गुरु तो हमारा पहले से था, सोने की चिड़िया पहले से थी, अब क्या बनाओगे? बोल रहे हैं विश्व गुरु बनाएंगे। अरे बोल रहे हैं तो क्या बनाओगे? विश्व गुरु तो हमारे पहले से था, आप क्या बनाओगे? आपको इतिहास ही नहीं पता विश्व गुरु था या नहीं था। चलिए गांधी चौक लोकसभा की मिली जुली प्रतिक्रिया रही, चलिए आप लेके चलते हैं हम दूसरे लोकसभा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सहयोगी इम्तियाज के साथ साझा।